है, ये देखें, ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी ये आज पेपर हुआ है, और ये 10 बजे से और 1 बजे तक हुआ था। ये इंग्लिश जर्नल है, इंग्लिश जर्नल ये 3 घंटे का पेपर है, और इसकी मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है। तो आप देखें यहाँ, अब हमने कौन सा टॉपिक किया था, हमने ये करप्शन वाला टॉपिक किया, और ये करप्शन में हाउ टू कर्ब करप्शन, मतलब करप्शन किस तरह खत्म होगी, हाउ टू कर्ब दी करप्शन एंड मेक करप्शन फ्री पाकिस्तान। अब इसमें दोनों पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपको सजेशंस पूछ रहा है, दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में, मतलब अब आपको मैयर्स देने हैं, आपको फोकस ही करना है जो सारा का सारा मैयर्स, जैसे मैंने आपको कल कहा था, कल मैंने आपको समझाया था कि जो डायमेंशन पूछी जाती है शॉर्ट ऐसे में, तो आपको वही लिखना है। इसी तरह टेररिज्म, यहाँ देखें टेररिज्म टॉपिक है इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट्स, इसमें इम्पैक्ट्स पूछ रहा है विद नेबरिंग कंट्रीज। अब इसमें हमें इम्पैक्ट्स लिखना है, इसमें हमें सजेशंस नहीं लिखनी, हमें इसमें सजेशंस नहीं पूछ रहा, क्योंकि शॉर्ट ऐसे है, इसमें हमें पूछ रहा है कि टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या होता है। या देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है, या आपसे मैयर्स पूछेगा हाउ टू कर, या आपसे इम्पैक्ट पूछेगा, या आपसे उसके काजेज पूछेगा, 3 चीजें पूछी जाती हैं हमेशा। इसी तरह आगे चलते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस कैंपस एजुकेशन, इसमें से एक डायमेंशन को लेके जाना है। उसके बाद इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कौन से फेस्ड बाय वुमेन, ये भी हमने किया था, बताया था मैंने आपको, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हम लोग हैं, 3 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं, जो पुअर कंट्रीज, अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, डेवलप कंट्रीज नहीं, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। तो हमारे जैसे साउथ एशिया में हम कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो औरतों के कौन से प्रॉब्लम इश्यूज फेस बाय द वुमेन, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने हैं कि भाई एजुकेशन का प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम है, हिरासमेंट का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल अबीज का प्रॉब्लम है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है, ठीक हो गया, और ये इन पे आप फोकस करेंगे। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक लिस्ट बनाएंगे कि प्रॉब्लम्स कौन से हैं, इश्यूज कौन से हैं, वुमेन के इश्यूज कौन से हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इनका सबका, हम कोशिश करेंगे आज इनकी हम हेडिंग्स आपको दें, जैसे आगे जाके आपको ये इशू ना हो। आगे चलते हैं, आपका ये देखें, यहाँ पे ग्रामर आया है, डू एज डायरेक्टेड, ये 10 जो है इसमें से आपको 5 करने हैं, इसमें आपको 5 करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो ग्रामर भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि दो चीजें, एक ऐसे पिरसी आपको आनी चाहिए, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जैसे आपको नजर आए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं जैसे आप लोगों को नजर आए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, हाँ मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, आप परेशान ना हो, ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। शी रोट एन अवार्ड विनिंग नावल, अब चेंज द वॉइस, ये हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप फोकस करें इन चीजों पे कि इनको किस तरह हमें करना है, दो पिरसी ऐसे और इंग्लिश, उसके साथ जीके, 4 चीजें, कल इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, 4 चीजों पे जो बच्चा काम करेगा उस बच्चे को मजा आएगा अपनी जिंदगी में, वो कहीं भी नौकरी सिक्योर कर सकता है, कहीं पे भी उसकी नौकरी सिक्योर हो सकती है, जो ऐसे पिरसी और जीके और इंग्लिश ग्रामर, 4 चीजें आप सीख लें, नौकरी आपकी सिक्योर हो जाएगी 100%, ठीक है। आगे चलते हैं, शी रोट एन अवार्ड विनिंग, शी रोट एन अवार्ड विनिंग नावल, तो आप मुझे बताएं, अब डिस्कस करते हैं ये किस तरह होगा, नहीं जो पूछा जा रहा है वही आएगा नाहिल सुल्ताना बेटा, जो पूछा जा रहा है CSS के 3 4 ऐसे, हाँ CSS में BC से आपका होगा, उसको लंबा चौड़ा लिखना है। अब पहले पहले हमारा क्वेश्चन देखें, अभी हम पहले ग्रामर को हल करते हैं, जैसे आप लोग आगे ना कहें कि सर आपने कुछ ग्रामर में नहीं करवाया, थोड़ा बहुत मैं करवा रहा हूँ आपको। अब इसको पैसिव किस तरह करेंगे, शी रोट एन अवार्ड विनिंग नॉवेल, शी रोट एन अवार्ड विनिंग नॉवेल वॉज रिटन बाय हर, एन आएगा बेटा, एन आएगा साजिदा बेटा, एन आएगा वाज, हाँ हाँ रोट एनी वे, बींग नहीं आएगा, बींग नहीं आएगा, जिसने बींग डाला है उसका गलत है। एन अवार्ड विनिंग नावल वाज रिटन बाय हर, हाँ एन आएगा, एन अवार्ड विनिंग नावल वाज रिटन बाय हर, ये इस तरह होगा।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका सही है। एन अवार्ड विनिंग नावल वाज रिटन बाय हर, बिल्कुल। सेकंड का क्या होगा? आई फेल असली वाइल आई वाज शो ऑन लैपटॉप। सेकंड का करें शाबाश। आई फेल असली वाइल आई वाज शो, सेकंड का करें। आई फेल असली, फेल्ट होगा, नहीं फेल्ट नहीं होगा, फेल्ट नहीं होगा भाई, फेल्ट कहाँ आएगा? ये फाल का सेकंड फॉर्म फेल है, फाल का सेकंड फॉर्म फेल है। नहीं काजिम भाई, इस तरह नहीं होगा, नहीं इस तरह नहीं होगा, गलत है। काजिम का गलत है, कोमल का भी गलत है, साजिदा का भी गलत है, ठीक है, सब तीनों का गलत है। और कोई मुझे बचा बताए। आई फेल अ स्लीप वाइल आई वॉज शो। हाँ बताएं बताएं, शाबाश। आई फॉल असलीप, नहीं, इस तरह नहीं होगा। वाइल आई वॉज वॉचिंग, आई फॉल असलीप, नहीं इस तरह नहीं होगा। ये सिंपल होगा, आई फेल असलीप वाइल वॉचिंग शो ऑन लैपटॉप। देखें आप लोग जो है ना, आप लोगों को मैं किस तरह समझाऊं, किस तरह आपको इस तरह, इसलिए मैं कहता हूं कि ग्रामर वाली भी क्लास ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो। आई फेल असलीप, आई फेल असलीप वाइल वॉचिंग, वाइल वॉचिंग शो ऑन लैपटॉप। वाइल के बाद इंग फॉर्म आता है, क्या आता है? अब ये फेल की स्पेलिंग इस तरह होगी, ये बेसिकली वर्ड जो है ना फाल है, मैं आपको समझाऊं, ये फाल फाल वर्ड है, और फाल को फाल, फेल, फालिन, इस तरह होगा। फाल फेल फालिन, वो जो आप फेल समझ रहे हैं ना भाई, जो आप फेल समझ रहे हैं वो फील है, उसका सेकंड फॉर्म फेल्ट है, और थर्ड फॉर्म उसका फेल्ट है, वो अलग है, वो चीजें अलग है। ये फेल अलग है, इसका सेकंड फॉर्म फेल्ड है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड है, ये अलग चीजें हैं, ये सारी चीजें अलग हैं, ये वाला अलग है। आई फेल असलीप वाइल वॉचिंग शो ऑन लैपटॉप। समझ आ गया? क्लियर है? शी जो पहले कहा था, एन अवार्ड विनिंग क्या था? एन अवार्ड विनिंग कौन सा सेंटेंस था? नावल वाज एन अवार्ड विनिंग, अवार्ड विनिंग नावल वाज रिटन बाय हर, इस तरह होगा। ठीक है, समझ आ रही है बातें? दिमाग में बिठाएं, दिमाग में बिठाएं भाई। चलें तीसरा सेंटेंस हमारा है, मदर वाज मेकिंग अ केक। हाँ, मदर वाज मेकिंग अ केक, मदर वाज मेकिंग अ केक, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। मदर वाज मेकिंग अ केक, तो ये आपका बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अ केक वाज बीइंग मेड बाय मदर। समझ आ रहा है? बीइंग अ केक वाज बीइंग मेड बाय मदर। हाँ चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस है आपका, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस है, ही सेड माय सन इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ही सेड माय सन इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही सेड माय सन इज लिविंग
इन ऑस्ट्रेलिया। शाबाश, किस तरह होगा? ही सेड माई सन इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। किस तरह करना है ये पेपर? ही सेड दैट हिज सन वॉज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। जबरदस्त, काजिम ने लिखा ही टोल्ड। ही टोल्ड भाई तब होगा जब आप किसी और को कहें। देखिए, अगर ये कहता ही सेड टू अली माय सन इज, फिर आपका टोल्ड होता, ही टोल्ड अली दैट। अगर टोल्ड तब आता है, अदरवाइज टोल्ड नहीं आता। जब किसी को बुलाते हैं, किसी को, ही सेड टू अली माय सन इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, फिर आप कहेंगे ही टोल्ड अली दैट इज सन वाज लिविंग। तो ही सेड दैट, समझ आ रहा है? सेड दैट हिज सन वाज लिविंग लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? चलें, सारा करवाता हूँ आपको, सारा जितने भी हैं वो हम लिखते हैं, मैं आपको लिखवाता हूँ, परेशान ना हो। और ये पहला हमारा ये था, ये हमने, उसके बाद ये था, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको यहाँ रखते हैं, ग्रामर भी करवा लूँ आपको, क्या याद करेंगे। हाँ, तो ये हमारे हो गए। हाँ, ये हमारे कितने हो गए? पांच करने हैं आपको। आस्क नहीं कह सकते भाई, आस सवाल में होता है, अल्लाह के बंदो, आस्क सवाल में होता है। बेसिक अंग्रेजी नहीं आ रही, आप मुझे कहते हैं कि सर हम ऐसे पढ़ाएं, तो भाई इस तरह तो ना करें, अपने साथ जुल्म ना करें। आप खुद को, आप एक पेज लें और नए साल का आप रेजोल्यूशन बनाएं कि आपको इस साल क्या करना है, इस साल आपको क्या करना है, नया नए साल का रेजोल्यूशन बनाएं। उस पर कल मैंने वीडियो भी बनाई है आप लोगों के लिए, वहां देखें कि मैंने किस तरह आप लोगों को गाइड किया है, ठीक है? कल वाली वीडियो भी मेरी आप देख लें, कल मैंने बनाई है, कल के नए साल का रेजोल्यूशन क्या है आप लोगों का। हाँ, वीडियो बेस्ट होगी ना, क्यों नहीं होगी वीडियो बेस्ट। तो चलें, आपके हो गए एन अवार्ड विनिंग, यहाँ तक ये भी हो गया, पहले सवाल ये हो गया, ये भी सवाल हो गया आपके, ये दो अलग थे, ये दो अलग हैं, इसको अलग करते हैं, इनको अलग करते हैं। उसके बाद आते हैं हम, दूसरा पेपर इसमें निकालते हैं। चलें भाई, नो मैटर, नो मैटर व्हाट दैट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी। इसको सही करें, नो मैटर व्हाट दैट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी। शाबाश, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, व्हाट वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, व्हाट वाले में मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा। नहीं पढ़ाया आपको जो व्हाट वाला था ना, आल वाला, व्हाट वाला, जो मैंने, जो मेरे बच्चे हैं। हाँ, नो मैटर व्हाट। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, नो मैटर व्हाट दैट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी। तो इसमें हाँ, व्हाट कैन नहीं आएगा भाई, नो मैटर व्हाट कैन आई डू नहीं आएगा, व्हाट दैट राजेश भाई नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा भाई, अल्लाह के बंदो, इस तरह नहीं होगा। नो मैटर व्हाट आई डू, ये होगा आपका, मैं बता रहा हूं, नो मैटर, ये आपका होगा नो मैटर, नो मैटर व्हाट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी। ये इस तरह होगा, इस तरह होगा भाई, सारे सवाल मैं आपको करके दे रहा हूं। इसको नीचे रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं, ठीक हो गया? ये आपके क्वेश्चन है, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये हम जवाब कर रहे हैं, और इसको ब्लैक करता हूँ, वो आपके सवाल हैं, ये आपके जवाब हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे चलते हैं,
दूसरा सवाल है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब वीक अगो, आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब वीक अगो, किस तरह होगा? शाबाश, इसमें कौन सी गलती है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आई हेड भी नहीं आएगा भाई, आई हेड भी नहीं आएगा। हाँ, आई हेड भी नहीं आएगा। हाँ देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपका सिंपल पास्ट हो ना, जब भी आपका सिंपल पास्ट हो, इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि सिंपल पास्ट में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब लास्ट वीक। अगले हफ्ते मैंने सोचा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। अगले हफ्ते मैंने सोचा, सोच चुका था, नहीं सोचा, अगले हफ्ते आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब लास्ट वीक। आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, मैं अपने दोस्त के, जैसे हम कहते हैं ना कि आई वेंट टू माई फ्रेंड, आपको पता होगा, लास्ट वीक, अगले हफ्ते मैं अपने दोस्त के पास गया। ही केम टू मी लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ मेरे पास आया। सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं इसमें, इसके साथ सिंपल पास्ट। आप जुमला हेड वाला गलत नहीं है आपका, वो भी सही है, लेकिन सिंपल पास्ट, हाँ वीक अगो आएगा, वीक अगो, हाँ वीक अगो, जो भी है आपका वीक अगो, वीक अगो भी आ सकता है आपका, लेकिन आपके पास जो उसने पूछा है ना, उसमें गलती जो है, इसमें जो गलती है वो है वीक, हाँ वीक अगो, आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब वीक अगो, हाँ इस तरह होगा, वीक अगो जो सेंटेंस है, इसमें हैव की गलती है। हाँ आई डिसाइड, देखें सेंटेंस में हैव की, इसमें देखें हैव की गलती है, बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका सही है, बाकी आपका सेंटेंस सारा सही है, हेड नहीं आना चाहिए, सिंपल पास। हाँ टेंस की देखें, यहाँ पे अगर आप अगर कहते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ रखते हैं और यहाँ हैव देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आई हैव डिसाइडेड, क्योंकि यहाँ आपने अब वीक अगो दिया है, वीक अगो के साथ आपका लास्ट मंथ लास्ट ईयर, इसके साथ हम सिंपल पास्ट लगाते हैं, यहाँ आपका सिंपल पास्ट आएगा, ये खत्म हो जाएगा आपका, ये आई डिसाइडेड, ठीक है, तो यहाँ पे गलती है आपकी। तो आपके हो गए ये सारे के सारे, मैंने आपको करवा दिए हैं, ग्रामर आप देख लें, बिल्कुल आसान तरीके से हम चीजें सीख रहे हैं। जितने भी बच्चे सीरियसली सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं, जिनको नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा, बस वो आएगा और चला जाएगा, उसको सीरियस नहीं लेना पेपर को। अच्छा उसके बाद हम आते हैं, अब आपको मैं इन इन पेपर्स की जो है हेडिंग्स बनवाता हूँ, इन पेपर्स की आप लोगों को हेडिंग्स, और जो भी बच्चे सीएसएस में बैठने जा रहे हैं, पीएमएस में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है, ये हेडिंग्स अपने पास रखें। पैराग्राफ लिखना इशू नहीं होता, मेन मसला होता है कि हमें हेडिंग्स किस तरह लिखनी है। तो हम यहाँ से लेंगे आपका एक यहाँ से लेंगे, क्या कहते हैं इनको, कॉपी करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ अभी इसी वक्त। पहला हम टॉपिक लेते हैं, इसी के साथ हम पहला टॉपिक लेते हैं आपका, कौन सा है, हाउ टू कर्ब करप्शन एंड मेक करप्शन फ्री पाकिस्तान। कोविड वाला ना करें, हाउ टू करब करप्शन एंड मेक पाकिस्तान, मेक करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये आपका टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक हो गया। अब आते हैं, हम बनाएंगे इनकी आउटलाइन। तो
अब मुझे बताएं, पहली पहली बताएं हेडिंग, शाबाश, किस तरह होगा पाकिस्तान करप्शन फ्री, किस तरह होगा, क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप कहेंगे प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन, तालीम लोगों को देनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हम लोगों को तालीम देंगे, सबसे पहले। हाँ, उसके बाद आप स्ट्रांग जस्टिस सिस्टम, ठीक है, स्ट्रांग जस्टिस सिस्टम या स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, सही है, ठीक हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सही है, इंक्रीज सैलरीज, सही हो गया, बिल्कुल सही है, रिफॉर्म्स इन नेब, ठीक है, रिफॉर्म्स इन नेब, शाबाश शाबाश, स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होगा, अपोज पेट्रोनेज सिस्टम, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इंश्योर मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, शाबाश नाजिश बेटा, बिल्कुल सही है, अपोज पेट्रोनेज सिस्टम को अभी छोड़ें, गुड गवर्नेंस सारा हो जाएगा बेटा, मेकिंग अ टीम ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड, वेरी गुड, देखते जाएं। सोशल इक्वलिटी, स्पीडी जस्टिस, रोल ऑफ नेब आ गया, प्रोमोट नेशनलिज्म इंस्टेड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, प्रोमोशन ऑफ नेशनलिज्म, चलें, सिंपल लाइफ स्टाइल, इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, गुड, इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, प्रोमोशन ऑफ टैक्स कल्चर, गुड, फ्रीडम प्रोवाइड्स टू एंटी करप्शन एजेंसीज, फ्रीडम प्रोवाइड्स टू एंटी करप्शन एजेंसीज, पेट्रियाटिज्म, चलें भाई, पेट्रियाटिज्म, इंक्रीज सैलरी आ गया भाई, डिस्करेजिंग क्लास एग्रेशन, इंसेंटिव्स प्रोवाइड्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, शाबाश, गुड, जस्टिस सिस्टम, करप्ट पीपल मस्ट बी पनिश्ड, अच्छा, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा राजेश भाई, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव कर दें इसको, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, हाँ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, सही है, रेशनलाइजेशन, चलें भाई, रेशनलाइजेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल, किस तरह होगा, ऑस्टेरिटी मेजर्स, ऑस्टेरिटी, सिंपल लाइफ स्टाइल आ गया भाई, पुलिस रिफॉर्म्स, चलें भाई, पुलिस रिफॉर्म्स, शाबाश, चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी में आ गया, चेक एंड बैलेंस आपका आ गया भाई, इसमें आ गया आपका, हाँ बिल्कुल, आउटलाइन आपकी यही होगी, हाउ टू मेक पाकिस्तान करप्शन फ्री, ये आपकी हेडिंग्स आ गई, ठीक है। अब आते हैं, अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं, प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन, स्ट्रांग जस्टिस, इंप्लीमेंटेशन रूल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंक्रीज सैलरी, रिफॉर्म्स इन नेब,
इंश्योर मेरिटोक्रेसी, मेकिंग अ टीम ऑफ, मेकिंग अ टीम ऑफ, ठीक है, मेकिंग अ टीम ऑफ करते हैं। सोशल इक्वलिटी, प्रोमोशन ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का इतना खास इसको काट देते हैं, सिंपल सही है। इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, प्रोमोशन ऑफ टैक्स फ्रीडम प्रोवाइड्स टू एंटी करप्शन एजेंसीज, फ्रीडम, ये स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन आ गया। पेट्रियाटिज्म को भी, हुब्बुल वतनी भी ठीक है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चलें रख दें। पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी करप्शन रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आपका अवेयरनेस सेशंस, अवेयरनेस सेशंस आपको पब्लिक पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग अवेयर, हाँ, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दी पब्लिक फंड्स, अवेयरनेस सेशंस, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दी पब्लिक फंड्स। पब्लिक को पता होगा कि भाई ये हमारा पैसा है, कोई भी नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता, तो नेचुरली अच्छा रोल प्ले करेंगे वो लोग। अगर आप उनको फ्रीडम नहीं देते, हाँ, रेवेन्यू सिस्टम भी सही है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया भाई। हाँ, प्रोफेशनल इथिक्स भी सही है, अवेयरनेस सेशन, हाँ ये भी सही है, अवेयरनेस सेशन सही कह रही है, अवेयरनेस सेशंस अबाउट प्रोफेशनल इथिक्स, जबरदस्त, वेरी गुड, अबाउट प्रोफेशनल इथिक्स, इथिक्स, वेरी गुड। चलें भाई, ये आपका हो गया। उसके बाद आते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, आईएमएफ सही, आईएमएफ भी सही है। सेकंड टॉपिक है हमारा इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वुमेन, इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन। चलें भाई, ये मैं रखता हूं, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दी वुमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक हो गया। चलें भाई, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दी वुमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो हम वन बाय वन लिखेंगे। अब आते हैं, अब हम वन बाय वन लिखेंगे भाई। हाँ सही लिखा है, नो इक्वल एजुकेशन, नो इक्वल एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इलिटरेसी, हेरेसमेंट, मल न्यूट्रिशन, सोशल इनजस्टिस, नो अवेयरनेस अबाउट हर राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली चाइल्ड मैरिज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कल्चर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, अफेक्टिव फ्यूडलिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक तो बच्चे इस वक्त आते हैं, मसला ये है इनका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्यूडलिज्म आ गया, एक्सप्लाइटेशन बाय इंटरप्राइजेस, वेज गैप, वेज गैप एंड फेवरेटिज्म, मैरिज विस्तुर कुरान, रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं आएगा भाई, रोल ऑफ ये तो वो है, नो अपॉर्चुनिटीज, नो अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, स्पेलिंग में सही करता हूँ, परेशान ना हो, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, स्पेलिंग अब मैं सही करता हूँ। ये आपका इलिटरेसी आ गया, हेरेसमेंट आ गया, माइनर मैरिजेस आ गया, मल न्यूट्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस आ गया आपका,
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आ गया, डोमिनेटेड सोसाइटी, कल्चर, कल्चर ऑफ बैरियर, नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर। हाँ ऐसे हो सकता है, नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजियस। अब इसमें सारे मजहबों के जो लोग हैं ना उनकी बात करेंगे, खाली इस्लाम की नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तालीम नहीं है इतनी, लेकिन वो कहते हैं माई नौकरी नहीं करेगी। हाँ औरत नौकरी नहीं करेगी। नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया, समझ आ रहा है। बैरियर्स भी आपका आ गया। हाँ बिल्कुल सही है। सोशल अब्यूज, सोशल, अब हम इनको बायफ्रिकेट करेंगे। मैंने जल्दी जल्दी लिखा है जैसे सबका लिखूं, क्योंकि आप तो जल्दी करते हैं ना। मैं आपका टाइपेस्ट हूँ, मैं आपका टाइपेस्ट भी हूँ और लिख भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और गाइड भी कर रहा हूँ। बट्टा सट्टा, डिलेड जस्टिस आ गया भाई, एक्सप्लाइटेशन बाय इंटरप्राइजेस, सही है। हाँ वेज, नो अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, नो अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, ठीक है। नो रेस्पेक्ट भी आ गया। नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स, नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया, वीक पॉलिटिकल डोमेन, नो राइट्स इन, हाँ ये सही है, नो राइट्स इन इनहेरिटेंस, ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। वीक पॉलिटिकल डोमेन ये नहीं आएगा। हाँ नो रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इन पार्लियामेंट, नो रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली, इन असेंबलीज करें, असेंबलीज प्रोवेंशियल भी है वो भी है, दोनों है आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। अब हम इसको लेक ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी सही है। अब देखें हम आते हैं हमारा जो टॉपिक है, हमने पेपर आज वाला उठाया है, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम बता रहे हैं कि हमने पेपर आज वाला उठाया है। तो आज पेपर जो हुआ था 1 जनवरी, जो सिंध पब्लिक वालों ने लिया है, उसमें ये वाले टॉपिक्स आए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो हमने ये वाला किया है, यहाँ वाला जो करप्शन फ्री पाकिस्तान, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ हाँ ठीक हो गया। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हो गए आपके दो टॉपिक्स, प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया जो हम कर रहे हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि नो इक्वल एजुकेशन, इनइक्वलिटी इन एजुकेशन, अनइक्वल एजुकेशन भी आप कह सकते हैं, नो इक्वल एजुकेशन, इसको नीचे रखें, इसको बाद में यहाँ इलिटरेसी में रखें, ठीक है। इलिटरेसी और ये दोनों एक ही जगह रखें, इसको एक ही जगह रखें, नो इक्वल एजुकेशन आप लिख, इलिटरेसी को एक ही जगह रखें आप, एंड वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, इसको इस तरह करें। हेरेसमेंट, हेरेसमेंट वो हो गया आपका, तो इसमें आपने ये लिखा है इंटरप्राइजेज में कहाँ गया, ये एक्सप्लाइटेशन, यहाँ पे आपके हेरेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लाइटेशन बाय इंटरप्राइजेज, तो हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस लिखें, एट वर्क प्लेस, वर्डों को सिलेक्ट करें, एट वर्क प्लेस। मल न्यूट्रिशन, सोशल इनजस्टिस, सही है। सोशल इनजस्टिस में आप जो है ना ये एजुकेशन वाला डिस्कस कर सकते हैं, तो हम सोशल इनजस्टिस चलें इसको रखते हैं। नो अवेयरनेस अबाउट हर राइट्स, अबाउट हर राइट्स नहीं होगा, अबाउट देयर आएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अबाउट देयर राइट्स। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन देखें सोशल इनजस्टिस में आ गया आपका। अर्ली चाइल्ड मैरिज, मेल डोमिनेट सोसाइटी, कल्चर ऑफ बैरियर्स,
कल्चर ऑफ सोशल अब्यूज, सोशल इनजस्टिस में आप डिस्कस, हेरेसमेंट में आप कर सकते हैं सोशल अब्यूज, इफेक्टिव फ्यूडलिज्म, अफेक्टिव फ्यूडलिज्म, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप डिस्कस कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेज गैप एंड फेवरेटिज्म, नो अपॉर्चुनिटी फॉर, नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजियस, नेगेटिव मीडिया, नो राइट्स इन इनहेरिटेंस, नो रिप्र इन असेंबलीज, समझ आ रहा है? हाँ, जेंडर इनइक्विलिटी। चलें, जेंडर इनइक्विलिटी आ गया आपका। हाँ, तो ये मैं आपको एक दफा लिखवा रहा हूं ना, जैसे आपका आ जाए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर इसी तरह सीएसएस में, पीएमएस, पीएमएस में स्पेशली आता है तो इतनी हेडिंग्स आपके लिए काफी हैं। आप इस पे चार चार पांच पांच सेंटेंस, चार चार पांच पांच, जैसे मैंने कल बताया था आपको, अगर पीएमएस में आता है तो सिर्फ आप इनको ही टच करेंगे, आपका ऐसे पास। इवन सीएसएस में भी आप कर सकते हैं, सीएसएस में भी आप 15-20 हेडिंग्स लिख के आप इसको पास कर सकते हैं। आपकी हेडिंग्स ठीक हो, आपकी अंग्रेजी क्वालिटी ठीक हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। आज आरएफओ का पेपर लिया था भाई, ये हमने पेपर किया है, और ये पेपर उन्होंने किया है, और ये उन्होंने एमसीक्यू, ये उन्होंने ग्रामर दी थी, और ग्रामर भी हमने हल किए बच्चों को, मैंने ग्रामर भी करवाई है। यहाँ पे हमने ये वाले सेंटेंस हल किए हैं जो उन्होंने दिए थे, आप दे रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा हमारा टॉपिक है टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स इम्पेक्ट ऑन रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। अब देखें इसको आप किस तरह करते हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज पे इसका इम्पेक्ट क्या है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन नेबरिंग कंट्रीज। शाबाश, तो कौन सी हेडिंग्स आएंगी, शाबाश बताएं, नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान इट्स इंपैक्ट ऑन नेबरिंग कंट्रीज। हरी, अब देखते हैं कि आपको आइडिया हो गया है अभी हेडिंग्स किस तरह बनानी है, हेडिंग पे काम करना है आपको, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग आराम से कर सकते हैं। अच्छा, पुअर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, उसके बाद प्रॉक्सी वार्स, गल्फ वार एंड पाकिस्तान, गल्फ वार एंड पाकिस्तान, चलें भाई। इसमें एक ही टॉपिक है, पुअर सिक्योरिटी इंसर्जेंट ग्रुप्स, इजराइल एंड अरब रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज, अनरजिस्टर्ड अफगान, बेड रिप्यूटेशन ऑफ स्टेट, फियर इन पीपल, बेड इंपैक्ट ऑफ कंट्री, चेंज रेगुलेशन, लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बेड इमेज, वार ऑन टेरर, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वीक इकोनॉमी। Emergence of militant and illegal immigrants, restricted movement of people, cross border infiltration, foreign investment decrease, foreign investment decreases, internationally degradation, क्या होता है भाई, क्या होता है ये,
देखें आप लोग इंडियन प्रोपेगंडा, इंडियन नाजी अच्छा लिख रही हैं सबसे। इस दफा नाजिश ने सबसे अच्छा लिखा है माशाल्लाह। इंडियन प्रोपे प्रोपे गंडा एंड इस्लामोफोबिया, पुअर जुडिशियल सिस्टम, टेक ऑन सॉवरनिटी, टेक ऑन सॉवरनिटी, इकोनॉमिक कॉस्ट, कश्मीर इशू। चलें भाई अभी मैं स्पेलिंग सही कर लूं। इंसर्जेंट ग्रुप आ गया, इजराइल एंड अरब रिलेशन, एंड अरब रिलेशंस आ गया आपका। स्पेलिंग में सही कर रहा हूँ, फिर मैं आपके वर्ड काटूंगा कि कौन कौन से वर्ड आएंगे। ये पता नहीं क्या लिखा है, इंसर्जेंट अफगानिस्तान, अनरजिस्टर्ड अफगान्स, हाँ अनरजिस्टर्ड अफगान, अफगान पीपल, ठीक है। बेड रिप्यूटेशन, फियर चेंज, पता नहीं ये क्या है, ये तो गलत लिखा है। लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट होता है, डिक्रीज। ईरान एंड यूएसए रिफ्ट, सही है, ईरान एंड यूएसए, हाँ रिफ्ट सही है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग नेबरिंग कंट्रीज, अफगान की स्पेलिंग सही हो गई आपकी। अब इसमें फॉरेन, लेक ऑफ फॉरेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होती, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वार ऑन टेरर, हाँ बिल्कुल इम्पेक्ट होता है। बेड इमेज भी सही है। वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वीक इकोनॉमी, इकोनॉमी, हाँ बिल्कुल सही है। जो सवाल उन्होंने किया है, नो ट्रेड, ट्रेड आ गया आपका। इमरजेंस ऑफ मिलिटेंट, हाँ ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, ये भी आप लोगों का सही है, मिलिटेंट भी आपका सही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ द पीपल, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इंडियन प्रोपेगंडा, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस्लामोफोबिया भी है आपका। अटैक ऑफ सो अटैक ऑन सॉवरनिटी, हाँ सॉवरनिटी पे बिल्कुल। कश्मीर इशू, कश्मीर को अभी आप यहाँ देखें, अभी आप पुअर फॉरेन पॉलिसी, प्रॉक्सी वार, इसको आप काट दें। गल्फ वार इम्पेक्ट होगा इन पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान सपोर्ट करता है, हाँ ब्रेन ड्रेन आएगा आपका, बिल्कुल सही है, ब्रेन ड्रेन आपका आएगा, हाँ ब्रेन ड्रेन, लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, ये इम्पेक्ट होता है बड़ा, ब्रेन ड्रेन, बिल्कुल मुल्क छोड़ के स्किलफुल। यूएस इन्वॉल्वमेंट, हाँ यूएस इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल इश्यूज। बिजनेस आ गया भाई, बिजनेस वाला आ गया। वायोलेशन वीक इकोनॉमी, वीक इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड दूसरा है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लिखना आप। इमरजेंस ऑफ मिलिटेंट, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ द पीपल, क्रॉस बॉर्डर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, ये इकोनॉमी में आएगा। हाँ सिविल वार, सिक्योरिटी थ्रेट, सही है, हाँ सिविल वार आ सकता है। ईरान अटैक ऑन सॉवरनिटी भी सही है, सॉवरनिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। अब देखें आप लोग, टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट, हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस इस पे होगा कि हमारा इम्पैक्ट जो है क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट, हाँ साइकोलॉजी। अनसेटल्ड एरिया, सही है, बिल्कुल ठीक है, अनसेटल्ड एरिया, बिल्कुल सही है। वार टोन, सिक्योरिटी थ्रेट्स, हाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स होगा, तो हम इसमें देख रहे हैं हमारा रिपीट ना हो, हमारा रिपीट ना होना चाहिए। इंसर्जेंस ग्रुप आप क्रिएट होंगे, पुअर सिक्योरिटी आपका, पुअर सिक्योरिटी सिक्योरिटी थ्रेट्स में हो जाएगा, तो पुअर सिक्योरिटी आपको इसको लिखें सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स आप इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल।
और ये वांट और जो आप अनसेटल, ये सिक्योरिटी में आप लिख सकते हैं। हाँ, थ्रेट टू सॉवरनिटी, बिल्कुल सही है। थ्रेट टू सॉवरनिटी में हमने ये लिखा है बेटा, यहाँ पे हमने लिखा है ना, अटैक ऑन सॉवरनिटी अमरीका। हाँ, अमेरिका, अमेरिका वाला हम लिखेंगे ना, अमेरिका वाला जो चक्कर है ना वो हम लिखेंगे। समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? तो हम देखें, हमें फोकस करना है कि हमें पेपर में उसने क्या पूछा है। पेपर में उसने हमें पूछा है ना, देखें, हम आपको फोकस करना चाहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को समझ सकें, आप अगर इस चीज़ को समझ सकें। देखें, मैंने आप लोगों को हेडिंग्स करवाई हैं, तीन पेपर, तीन टॉपिक्स की। फिर बाद में नहीं कि ना सर ने काम नहीं करवाया, तीन टॉपिक्स ही हमने लिखा है, तीन को टच किया है। इसकी हमने हेडिंग्स बनाई है, और उसके बाद ये हमने एक आसान टॉपिक, हमेशा आसान लें। उसके बाद ये तीसरा, हर बच्चा बेसिक वाला भी कर लेगा। आप खाम खा कभी भी कोविड वाले पे आप हाथ ना डालें, कभी भी, क्योंकि कोविड अभी तक क्लियर ही नहीं है कि ये है भी या नहीं है। और जो असेसर है उसको भी पता नहीं होगा इसका, कि इट्स इम्पैक्ट्स ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है एंड इट्स एजुकेशन। अब कोविड का तो अभी है ही नहीं, क्लियरिटी भी नहीं है। ये टॉपिक कर सकते हैं हम, क्योंकि इम्पैक्ट्स लिखना इतना मुश्किल नहीं है। आप इम्पैक्ट लिख सकते हैं जब आपके पास बिल्कुल ऑप्शन ना हो, तो उसके बाद आप ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस कैंपस एजुकेशन आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉब्लम्स, ये भी आसान है, इसका हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को भी टच करें। आज हमने तीन को टच किया है, और उसके अलावा ये ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स थे, ये भी मैंने बताया आपको, ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, इसको भी हमने टच किया था, ये भी मैंने बताया, ये सारे के सारे ग्रामर। जो बच्चों की ग्रामर खराब है, जिनको लगता है कि वो ज़रूर ग्रामर वाली क्लास लें, डेज मैंने बता दी आप, क्योंकि वहाँ पे भी अभी 30-40 बच्चे आए हैं जो बेसिक में क्लास ले रहे हैं। तो ये हमने देख लिया, ये देखें हमने किया था आपको, ये ग्रामर आपको करवाया। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये ग्रामर वाला है। ही सेड टू हिज सन, ही सेड दैट हिज सन वाज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, अ केक वाज बीइंग मेड बाय मदर, एन अवार्ड विनिंग नॉवेल वाज रिटन बाय हर, आई फेल असलीप वाइल वॉचिंग शो ऑन लैपटॉप, नो मैटर व्हाट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी, आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब अ वीक अगो। यहाँ देखें, और पेपर में हमारे पास जो आया था, पेपर में ये ग्रामर आई थी, शी रोट एन अवार्ड विनिंग नावल, ये हमने पेश किया, ठीक है। आई फेल असलीप वाइल वॉचिंग मदर वॉज मेकिंग, यहाँ देखें, मदर वॉज मेकिंग, आई फेल असलीप, तो वाइल के बाद ये आप वाइल वॉचिंग आई खत्म कर दें, इसको वॉचिंग कर दें, वाइल वॉचिंग शो ऑन लैपटॉप, शी रोट एन अवार्ड विनिंग नावल, एन अवार्ड विनिंग नावल, ये आपका हो गया। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चे अभी आए हैं। ही सेड माई सन इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही सेड दैट हिज सन, यहाँ देखें, यहाँ मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ देखें, ही सेड, ये भी आपका हो गया, ही सेड दैट हिज सन वॉज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ये मदर वाला भी आपका हो गया, अवार्ड विनिंग वाला भी हो गया, और वाइल वॉचिंग भी आपका हो गया। उसके बाद आता है नो मैटर, नो मैटर वाला आपका आता है, नो मैटर वाट, ये डेट आप काट दें, डेट नहीं आएगा, ठीक है। आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी, ये आपका इसमें कह रहा है ना, करेक्ट द सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। ये चेंज इनटू आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, ये भी वॉइस चेंज करना है, पैसिव करना है, इसको सही करना है, और इसका वॉइस चेंज करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैंने आपको बताया है, कुछ बच्चे जो मेरे हैं, आई हैव डिसाइडेड, ये आपका हैव यहाँ से काट दें, ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, जो अभी आए हैं बच्चे। तो यहाँ, नो मैटर वाट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी, आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब वीक अगो, हो गया, ठीक है। अब इनका स्क्रीन शॉट ले लें, शाबाश, अच्छे बच्चे, हेडिंग्स देख लें आप इनकी, ये इनका स्क्रीन शॉट ले लें, देखें हमने बिल्कुल टच किया है इनको, करप्शन फ्री पाकिस्तान बिल्कुल नेचुरल इस तरह बनाए, प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन होगी, स्ट्रांग जस्टिस सिस्टम या स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी एक लिखना होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका, इंक्रीज सैलरीज होगा आपका, रिफॉर्म्स, इसको यहाँ पे ऐसे लगाएं, इसको ऐसे लगाएं यहाँ पे, रिफॉर्म्स इन नेम, इंश्योर मेरिटोक्रेसी, मेकिंग अ टीम ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर्स, बिल्कुल, उसके बाद सोशल इक्विटी,
सिंपल लाइफ। देखें हमें पूछ रहा है कि मेक फ्री पाकिस्तान, करप्शन फ्री। देखें टॉपिक को देखें, इसमें भी कर्ब जो है, ये वाला जो लफ्ज है ना कर्ब, ये भी करप्शन फ्री से रिलेटेड है, लेकिन दो वर्डों में दिया है, तो हमें सजेशन ही देनी है इसको। इंस्टीट्यूशनल आपको हारमोनी होनी चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि आप इसी तरह हेडिंग्स लिख के, आप पैराग्राफ लिख के आए, सारे ऐसे राइटिंग मेरी तरफ से आप पास हैं, सारे के सारे बचे। प्रोमोशन ऑफ टैक्स कल्चर, पेट्रियाटिज्म, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस रिफॉर्म्स हो गया, पब्लिक अवेयरनेस, ये सारे आपने लिखे हैं, अबाउट द पब्लिक फंड्स, अवेयरनेस सेशन अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था, आपका दूसरा टॉपिक है प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो वुमेन है, आप देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो वुमेन है कौन से प्रॉब्लम है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आपका आता है, तो यहाँ इसको कंट्री कर दें क्योंकि उसने कंट्री, वैसे तो कंट्रीज होना चाहिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस है नेचुरली, नो इक्वल एजुकेशन एंड वाइड इलिटरेसी है, हेरेसमेंट है आपकी एट वर्क प्लेस, मल न्यूट्रिशन है, सोशल इनजस्टिस है, नो अवेयरनेस देखते जाएं अबाउट देयर राइट्स, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कल्चरल ऑफ द बैरियर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वेज गैप एंड फेवरेटिज्म, नो अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, नेगेटिव रोल ऑफ आपका रिलीजियस स्कॉलर्स, नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया, नो राइट्स टू इनहेरिटेंस का राइट्स नहीं दिया जाता, और उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती असेंबलीज में, और जेंडर इनइक्वलिटी आपका होता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक आप देख लें दहशतगर्दी पे था, ये नीचे लिखा हुआ है, ये दहशतगर्दी इन पाकिस्तान, उसका इम्पेक्ट क्या है नेबरिंग कंट्री के साथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताया है। पुअर फॉरेन पॉलिसी है, गल्फ वार इन पाकिस्तान, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इसराइल एंड अरब कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज, अनरजिस्टर्ड अरब जो हैं, अपना सॉरी अफगान जो पीपल है, बेड रिप्यूटेशन ऑफ द स्टेट होता है, और इसमें बेड इमेज वाला जो है ना, ये एक कार्ड दें, बेड रिप्यूटेशन ये आपका रिपीट हो गया, ये रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमने इमेज लिखा है ना, ये इमेज रिप्यूटेशन में आता है। फियर इन द पीपल अमंग द पब्लिक, बेड इम्पेक्ट ऑफ ऑफ कंट्री, बेड इम्पेक्ट ऑन कंट्री होगा, बेड इम्पेक्ट ऑन, ये भी नहीं आएगा, ये अनक्लियर वर्ड है, इसको काट दें, बेड इम्पेक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। बेड इमेज में आ गया ना भाई, लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका होगा, लेक ऑफ फॉरेन, वार ऑन टेरर होगा, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नेचुरली, इमरजेंस ऑफ मिलिटेंट एंड इलीगल इमिग्रेंट्स होगा, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स ऑन द पीपल बिल्कुल होता है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है आपका, वहां से बॉर्डर से आके आपको मार जाते हैं, फिर यहाँ से हम जाते हैं उनको मारने, तो ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक हो गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है, इंडियन प्रोपेगंडा होती है, इस्लामोफोबिया बिल्कुल, अटैक ऑन सॉवरनिटी, ईरान एंड यूएसए रिफ्ट पैदा होता है, और उसके बाद आपका ब्रेन ड्रेन है। तो ये आपके देखें तीनों टॉपिक्स की मैंने आपको, मुझे आप बताएं कोई भी यहाँ ऑनलाइन टीचिंग में आपको इस तरह कोई भी बंदा, कोई भी टीचर चीजें इस तरह क्लियर नहीं करेगा कि पेपर भी ले आओ बच्चों को पढ़ाओ। हाँ आउटलाइन हो गया, ऐसे हो गया आपका, कोई भी टीचर मुझे नहीं लगता कि इस तरह पेपर ले आए और बच्चों को डिस्कस भी कराए। आप लोग लिख रहे हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारा काम आप कर रहे हैं, सारा काम बच्चे कर रहे हैं, मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। हाँ ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर, ठीक है ना। मैं पेपर लेके आया हूँ आपके सामने, पेपर पढ़ा है, सारे बच्चे हेडिंग्स बना रहे हैं, सारे के सारे बच्चे बना रहे हैं, और मैं आपको सिर्फ उसको बायफरकेट कर रहा हूँ। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो किस तरह इम्प्रूव करेंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए मेरे ख्याल में अच्छा रहा आपकी क्लास, टाइम भी हो गया है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।